आरजे वैभव मिश्रा की नई सीरीज फन फैक्ट के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे दांत है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर ये दांत नहीं होते ना तो जिंदगी कितनी अजीब होती भाई। इतना प्यारा इतना टेस्टी खाना खाने में भी ना हमें कितनी मशक्कत करने पड़ती। अभी हमारे दांत ही तो है ना जो खाने को इतनी आसानी से पचाने में मदद भी करते। वो एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि अगर हम अपने जो जो दांत हैं उससे हम खाने को अच्छे से चबा लें तो शायद हमारे पेट को इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों आपने अक्सर बचपन से ही सुना होगा जो हमारे दूध के दांत होते हैं ना वो गिर जाते हैं। अरे भाई आप भी तो बचपन में अपने दूध के दांत को आपने गिरते हुए देखा होगा या छोटे छोटे बच्चों के अभी भी देख लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये भाई क्या प्रोसेस है, क्यों होता है ऐसा। दोस्तों वैसे हम बात करें तो बच्चों के कुल 20 दांत होते हैं। अब ये जो 6 महीने से लेकर 1 साल की उम्र के बीच में आना शुरू हो जाते हैं। अब जब बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है तो उसके सारे जो दांत होते हैं ना जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं वो निकल आते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके ये दांत टूटने लगते हैं और यही समय उनके विकास का भी होता है। दूध के दांत तब टूटने लगते हैं दोस्तों जब उनके नीचे स्थित जो स्थायी दांत होते हैं ना वो निकलने लगते हैं, मतलब जो परमानेंट वाले दांत आने वाले हैं ना वो आने लगते हैं तब। अब जब सिर्फ सामने के और जो नीचे वाले दांत होते हैं ना दो दांत, वो 6 वर्ष की आयु के जो आसपास जाकर गिरते हैं यानी कि टूटते हैं। उसके बाद हर साल बच्चे के 2 से 4 जो दांत होते हैं ना वो भी टूटने लगते हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। अब दोस्तों दूध की जो दाढ़े होती है ना वो 10 से 13 साल की उम्र के बीच टूटने लगती हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि ये होता क्यों है, तो दोस्तों बात ये है कि ये एक विकास का चरण है जो कि इंसान ने कई वर्षों के जो विकास से होता आ रहा है। देखिए दोस्तों जन्म के समय और उससे कुछ साल बाद तक जबड़े का विकास होता है ना वो बढ़ता रहता है। अब जब हम जब पैदा होते हैं तब जो हमारा जबड़ा होता है उसका आकार छोटा होता है, वो जबड़े में बड़े बड़े दांत नहीं समा सकते। इसलिए विकास जब होता रहता है, हमारा शरीर बढ़ता रहता है तो हमारा जबड़ा भी बढ़ता रहता है और उसी के अनुसार ही हमें दूध के जो दांत होते हैं वो टूटते हैं और उसके बाद नए दूध आने लगते हैं, दांत आने लगते हैं। अब दोस्तों ये प्रोसेस है ना दोस्तों वो आगे चलता रहता है। अब बस इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन हाँ एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो ये दांत है इनका जो आने का क्रम है ना वो हमारे डीएनए में ही समाहित है और ये जो विकास का चरण है ना वो हमेशा रहता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसी रोचक वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस हमने बहुत सारी बना चुके हैं, आपसे दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि आप उन्हें भी देखें। हाँ वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए ना, इससे दोस्तों सच माने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोज़ और लाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली लेटेस्ट वीडियो आती रहती हैं। मेरा नाम है वैभव, आपसे फिर मिलूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।